फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता गोयल। जायका कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल कूल रेसिपी जो कि पीने में बहुत ही ठंडी और मजेदार लगती है। आज हम बना रहे हैं लेमोनेड विद स्प्राइट। हम स्प्राइट से आज लेमोनेड बनाएंगे जो कि पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आपने किसी भी होटल या शादी में देखा होगा, ये सभी का फेवरेट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम गर्मियों की बहुत ही कूल रेसिपी बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं लेमोनेड जो कि हम स्प्राइट से बना रहे हैं। आप इसको सोडे से भी बना सकते हैं। ये जो मोजिटो है ये बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको बनाना भी बिल्कुल आसान है। 5 मिनट्स में बनके रेडी हो जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, यहाँ मैं 3 ग्लासेस ले रही हूँ और उसके बाद हमें सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नींबू हमें ग्लासों पर इस तरीके से लगा देना है। ये देखिए, मैंने ग्लास के कॉर्नर पे ये नींबू लगा दिया है। ये आप एडिशनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं, अदरवाइज स्किप कर दें। मैंने लगा दिया है और उसके बाद ये जो चीनी है इस तरीके से आप शुगर इस पर ऐड करें, जिससे कि आपका ग्लास है वो बहुत ही बढ़िया लगेगा। मैं सभी पे इस तरीके से कर रही हूँ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बट ये बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब उसके बाद हमें जो ऐड करना है वो ये है कि हमें फ्रेश पुदीना मिंट ले लेना है और इसमें ऐड करना है। अच्छे से हमें ऐड करना है। मैं 3 ग्लास में डाल रही हूँ जिससे कि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आएगा। और वैसे भी जो है गर्मियों में जो है मिंट जो होता है वैसे भी बहुत अच्छी ठंडक हमें देता है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ शुगर। ये मेरे पास क्रश शुगर है, ये मैंने मिक्सी में पीस ली है। बस 1-1 चम्मच हमें ऐड कर देनी है। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, बट मुझे लगता है कि 1 चम्मच सफिशिएंट है। आज यहाँ जो स्पेशल बात है, इसमें मैं जो है आपको 3 कलर में ये मोजिटो बना के दिखाऊंगी। यहाँ मेरे पास ब्लैक सॉल्ट है, आप सिंपल वाला सॉल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक सॉल्ट का जो है टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ 1/4 बिल्कुल हल्का सा हमने ये भी ऐड कर दिया है। बस बहुत कम डालना है हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैंने कटे हुए नींबू लिए हैं, स्लाइसेस हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये हमें करीबन 5 से 6 एक ग्लास में हमें ऐड करने हैं जिससे कि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद हमें ऐड करना है ये फ्रेश लेमन जूस है, उसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ मैं 1-1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हल्का सा हमें इस तरीके से इनको दबा लेना है जिससे कि जो इनका फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया से सभी में आ जाए। इस तरीके से मैं हल्का सा इनको दबा रही हूँ। ये मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से क्रश कर दिया है। अब उसके बाद हमें जो डालनी है, बहुत सारी यहाँ क्रश की हुई आइस हमें इसमें ऐड कर देनी है जिससे कि ये बहुत ही ठंडा और कूल बने। और उसके बाद मैं ले रही हूँ स्प्राइट और ये अब हम ऐड कर देंगे सभी ग्लासेस में स्प्राइट। और उसके बाद हम इसको अच्छे से चम्मच से हिला देंगे। ये देखिए कितना अच्छा बनके रेडी हुआ है। और जो इसमें एक स्पेशल बात हम कर रहे हैं वो है हम इसका कलर चेंज। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ये फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है।
ये देखिए हमारा जो थ्री कलर में है वो मोजिटो बन के रेडी हो गया है और इस पर मैं लगा रही हूँ ये देखिए फ्रेश मिंट। ये कितना कूल लग रहा है। ये देखिए हमारा जो फ्रेश लेमनर्ड है वो तैयार हो गया है। ये कितना टेस्टी लग रहा है और कर रहा है ना आपका पीने का मन। गर्मी में तो ये चीज़ देख के बिल्कुल रह ही नहीं जाता, क्योंकि गर्मी में है वो गला इतना सूखता रहता है और नींबू से बनी हुई चीज़ हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय, टेक केयर।